हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बेल्ट बनाने के लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सभी को बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं इस बॉर्डर से बेल्ट बनाने वाली हूँ। तो आप सभी को पता है, अगर आपने वीडियो देखा है तो जो लहंगा का वीडियो मैंने शेयर किया था, तो वो लहंगा के साथ ये बॉर्डर मुझे मिला था। तो बॉर्डर मैंने ब्लाउज पर नहीं अटैच किया है, तो इसी बॉर्डर से आज मैं बेल्ट बनाऊंगी। तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसकी दोनों साइड पहले से रेडी होता है, साइड में फोल्ड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। जितना आपका कमर का साइज़ होगा उससे 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। तो जैसे कि बॉर्डर जो है डबल है, तो इसीलिए कमर का जितना होगा उसे भी हाफ कर लेना है। तो मेरा आएगा 13 इंच 13 इंच, तो इसीलिए मैंने 1 इंच बढ़ाकर 14 इंच पर निशान लगाई है। तो अब यहाँ पर 14 इंच का जो निशान है वो वहाँ से कट कर देना है। तो कट करने के बाद अब यहाँ पर हमें जो सिल्क का सैटिन का फैब्रिक मिला था मुझे लहंगा के साथ, मैंने वही फैब्रिक यहाँ पर लिया है और इस फैब्रिक को ओरेप में कटिंग करनी है। सीधा बिल्कुल ना कट कीजिए, ओरेप में कट कीजिए और जो बॉर्डर होगी वो इसके ऊपर रखनी है। ग्लेजी वाला जो शाइनिंग वाला साइड है वो ऊपर की तरफ ही रहेगी और जो हमारा मेन बॉर्डर होगी उसके दोनों साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए अभी जैसा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगी उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और बॉर्डर की एक साइड उसके ऊपर रखना है। देन बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है। जो पाइपिंग है, अभी इस बॉर्डर में मेरा पाइपिंग है, आपका नहीं भी हो सकता है, तो बस बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है, इसमें फिनिशिंग अच्छा आता है। अगर ऐसे पाइपिंग होता है तो पाइपिंग के बिल्कुल पास से वो वाला सिलाई जाएगा। तो इस तरीके से एक साइड रेडी करना है। और एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बेल्ट है, सॉरी जो बॉर्डर है वो नेट का है, नेट के पीछे कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए जो साटिन का ग्लेजी वाला जो शाइन वाला साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। आपका अगर सेम होगा तो आप ऐसे ही कीजिए। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड को भी रेडी किया है। बस मैंने फोल्ड किया है और पाइपिंग के बिल्कुल पास से इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो दोनों साइड रेडी करने के बाद क्या करना है, बाकी दोनों साइड भी तो रेडी है, उसको हम कैसे रेडी करेंगे, तो उसके लिए इस तरीके से अपने हाथ से दोनों, जो हमारा बॉर्डर है और जो साटिन का फैब्रिक है, दोनों को फोल्ड करना है अंदर और डोरी बनाना है। तो आप लोग चाहे तो हुक आई भी बना सकते हैं और ऐसे डोरी भी बना सकते हैं। तो बॉर्डर के बिल्कुल मिडिल पर मैंने डोरी रखा है और डोरी 1 इंच अंदर पहले अंदर कर देना है, मतलब 1 इंच अंदर होना चाहिए, नहीं तो जब उसमें खिंचाव आएगा वो बाहर निकल सकती है। तो इसी तरीके से जो दूसरी साइड है उसे भी रेडी करेंगे। दोनों फैब्रिक को अंदर की तरफ प्रेस करके अंदर कर देंगे और उसके मिडिल पर डोरी रखेंगे। डोरी को हम इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप आई हुक भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप आई हुक बनाएंगे तो मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था कटिंग के टाइम पर, उस टाइम आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से बनाने से इसके पीछे की तरफ भी फिनिशिंग आएगा और सामने की तरफ भी फिनिशिंग आ जाएगा। आजकल साड़ी के साथ भी ऐसे बेल्ट चल रहा है और लहंगे के साथ भी ऐसा बेल्ट चल रहा है। तो ये मैंने लहंगा के लिए ये बनाई है, आप अपने साड़ी के साथ भी ऐसे ही बना सकते हैं। अगर कोई बॉर्डर आपको ऐसे मिल जाता है, अगर बॉर्डर नहीं है तो जो चौड़ा वाला लेस होता है उससे भी आप बना सकते हैं। कभी कभी लेस की दोनों साइड तो हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो पहले से रेडी होता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स भी मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। इसके अलावा स्विंग मशीन के बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, मशीन को कैसे यूज़ करनी है और मशीन के कौन कौन से टूल्स आपको अपने पास रखनी चाहिए, वो सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। कोर्स के सारे वीडियो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफर चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेस कर लीजिए। सो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, इंस्टा पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।